वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कोमल शर्मा। टुडेज माय टॉपिक इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट वी स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपने को सबसे पहले कवर करना है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में हम देखेंगे इसमें जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। सेकंड होता है स्पीशीज। स्पीशीज में अपन देखते हैं जितने भी रिएक्शन के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं उसमें इसकी बात करेंगे अपन। इसके बाद थर्ड आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। कि मतलब कोई भी रिएक्शन किस तरह से हो रही है या रिएक्शन आगे कैसे प्रिडिक्ट होगी, इसके लिए अपन पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो इफेक्ट्स अपने पास में चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना। मींस क्या होगा इसका, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चला जाता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। ये फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ रेजोनेंस। तो आज अपन कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। इनके और अदर नेम भी होते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन बोलते हैं बेकरनाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, और रेजोनेंस को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इन सब में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है जिससे क्या होगा कि अपन इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज बनेगी रिएक्शन के बीच में, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, और आगे इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रिडिक्ट होगी। तो इसमें और इन चारों इफेक्ट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो होता है टेम्परेरी इफेक्ट होता है। बाकी के ये तीनों इफेक्ट क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है, कि टेम्परेरी इफेक्ट मींस ये इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल में तभी होगा जब कोई रिएजेंट आकर उसके ऊपर अटैक करता है, या अपन इसको कह सकते हैं कि या कोई अपने को सामने से कोई केमिकल कंपाउंड दिखाई दे रहा है तो क्या होगा कि उसमें तभी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही रहता है जब तक कि उसे सामने से कोई भी रिएजेंट दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट, और बाकी के ये तीनों होते हैं ये होते हैं परमानेंट इफेक्ट। इस परमानेंट इफेक्ट में क्या होता है कि चाहे से सामने से अपने को कोई रिएजेंट दिखाई दे या नहीं दे, उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ही होगी। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है, कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन
टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपना कम्प्लीटली नहीं होता, ये होता है पार्शली शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है पार्शली शिफ्टिंग। तो इसका क्या मतलब होता है कि सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा मींस क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि उस बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर पार्शली चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, पार्शली चार्ज डेवलप्ड होते हैं, तो पार्शली चार्ज आर डेवलप्ड। तो यहाँ क्या होगा, पार्शली चार्ज उसके ऊपर डेवलप्ड हो जाते हैं। अब इसको अपन समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक कार्बन चेन है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्स। सेम इसी तरह से एक ये ग्रुप है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन चेन इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है वाई। अब यहाँ पर ये मानते हैं कि इस एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड में जाने लग जाएंगे। तो ये क्या करेगा, X जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अपनी साइड में पुल करेगा, और पुल करेगा तो इससे इसके ऊपर क्या होगा, एक पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ग्रुप वाले जो एटम्स होते हैं, तो उनमें से क्या होगा, किसी एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसकी तरफ में शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट। सेम इसी तरह से अगर अपन ये लेते हैं कि ये जो ग्रुप है वाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू एक्स के, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींच लेगा, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप जो होगा कि कार्बन के रेस्पेक्ट में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। की यहाँ इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस ग्रुप को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन के रेस्पेक्ट में तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये क्या होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपन लेता है तो इसको अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन। यहाँ क्या होगा कि ये कार्बन, ये वाई जो ग्रुप है ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये हो गया अपने माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो है इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स एंड
डिक्रीज विथ डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे भी चलता जाता है और क्या होगा, जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती है ये इसका इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। और ये कहाँ तक रहता है, अप टू 3 कार्बन तक। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस ग्रुप के, इस कार्बन के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को इस एक्स ने ले लिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया पार्शियली। अब क्या करेगा, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये क्या करता है, आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को लेने लग जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इससे कम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या होगा, आगे वाले से ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्या होगा, इसमें जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, आगे वाले से, आगे वाला इससे लेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा कम नेगेटिव चार्ज, आगे वाला इससे लेगा तो इसके ऊपर और कम नेगेटिव चार्ज आएगा। और 3 कार्बन के आगे ये क्या होगा, ये इफेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो ये कहाँ तक रहता है, सिर्फ अप टू 3 कार्बन तक ये रहता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। तो एग्जांपल लेते हैं, ए है एफ सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, बी सी एल सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, सी बी आर सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, डी आई सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव। तो इनमें से, इन चारों में से अपने को देखना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों ग्रुप हैं। इन चारों ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आगे कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। कार्बन से ज़्यादा है मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा। तो इसका मतलब इन चारों में क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। अब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ये देखिए कि यहाँ पर अगर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज जो होता है, ये अपन क्या कहें, चार्ज स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज के, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो जैसे अगर ये चार्ज है, चार्ज जो है, चार्ज अगर क्या होता है कि रुका हुआ चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। रुका हुआ का मतलब चार्ज जो है अगर स्टैटिक है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होती है। तो अगर चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए कि ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज क्या होगा, यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के जो इधर आगे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो भी शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के शिफ्ट होने से मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होने से इसका क्या हो जाएगा, इसके चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ भी क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चार्ज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो स्टेबल हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो ये तो था अपना सबसे इजी एग्जांपल। सपोज अगर इसकी जगह अगर अपन एक और ये ग्रुप भी होता NO2 CH2 COO नेगेटिव, तब अपन अगर इसमें अगर पूछते हैं विच इज़ मोर स्टेबल, तो इसको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो वो ऑर्डर अपन देखते हैं हम। तो अपन देखते हैं प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, प्लस आई और माइनस आई का। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो सबसे पहले अपन प्लस आई का ऑर्डर देखते हैं, तो ये होता है सी एच टू नेगेटिव सबसे ज़्यादा, देन एन एच नेगेटिव, देन ओ नेगेटिव, देन सी डबल बॉन्डो ओ नेगेटिव, इसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन सी एच थ्री, सी एच टू, देन सी टी थ्री, सी डी थ्री, सी एच थ्री, ट्राइटियम ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन। तो ये होता है अपना प्लस आई का ऑर्डर होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं माइनस आई का ऑर्डर। तो माइनस आई का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है ओ एफ टू पॉजिटिव की, इसके बाद में जो होती है वो होती है ओ आर टू पॉजिटिव, देन एन एफ थ्री पॉजिटिव, एन सी एल थ्री पॉजिटिव, एन आर थ्री पॉजिटिव, एन एच थ्री पॉजिटिव, एन ओ टू पॉजिटिव, सी एन एस ओ टू आर, सी एच ओ कार्बोनाइल, सी ओ ओ एच फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओ आर ओ एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच, उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये होता है प्लस आई और ये होता है माइनस आई का ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए, इसी के बेस पर अपन आगे एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। तो यहां पर भी अपन लेते हैं तीन स्पीशीज, जैसे ए है एनओ टू सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, बी है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ नेगेटिव सी, यहाँ पर अपन कुछ भी ले लेते हैं जैसे एफ सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव। अब इन तीनों में अपने को इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्रुप एनओ टू, यहाँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और एफ ग्रुप है, तो इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये भी तीनों क्या है कि माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो जनरेट होगा, जिससे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा, तो इससे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहां पर कौन सा, किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस NO2 की, तो ये वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद में आता है फ्लोरीन, तो ए सी और ये है यहां, तो ए सी बी, तो ये ऑर्डर होता है अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।